हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि विंडोज 8.1 में FTP सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो में हम FTP सर्वर इंस्टॉलेशन के साथ साथ एक FTP साइट क्रिएट करेंगे और उसे एक्सेस करके देखेंगे। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं अपने विंडोज 8.1 कंप्यूटर के ऊपर। देखिए, मैं उस कंप्यूटर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हम FTP सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ आने के बाद मैं अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे इस स्टार्ट या विंडोज बटन पे राइट क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ से कॉन्टेक्स्ट मेनू में से कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ लिंक पे क्लिक करता हूँ। ऐसा करते ही विंडोज की फीचर्स जिन्हें आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि लास्ट वीडियोस में हमने IIS की सर्विसेज इस कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल की थी। अगर ये इंस्टॉल ना हो तो आपको इसे सिलेक्ट करना होता है कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से प्लस साइन पे क्लिक करके इसे एक्सपेंड करना होता है। IIS इंफॉर्मेशन सर्विसेज सिलेक्ट होने के बाद भी FTP सर्वर रोल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं होता है, इसे आपको मैनुअली सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं FTP सर्वर पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट करता हूँ। इस फीचर को ऑन करने के लिए ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। इससे इसके बाद फाइल सर्च होती है और चेंजेस अप्लाई होते हैं। इन चेंजेस को सेव होने में कुछ समय लगता है, उतनी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही ये फीचर एनेबल होगी हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद FTP साइट्स को क्रिएट करने के लिए और उन्हें मैनेज करने के लिए हमें IIS मैनेजर को ओपन करना होता है। इसके लिए आप अपने माउस पॉइंटर को राइट अपर कॉर्नर पे लेके जाएं और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें। सर्च बार में टाइप करें IIS और सजेशंस में से इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS मैनेजर पे क्लिक करें। ऐसा करते ही देखिए IIS मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। FTP की सर्विसेज एनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए FTP से रिलेटेड ऑप्शंस या सेटिंग्स आ गई हैं। हम इस सर्वर को जिसका कि नाम JST है, जो कि इस कंप्यूटर का नाम भी है, इसे एक्सपेंड करते हैं और यहाँ से साइट्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए IIS साइट्स जो हमने IIS की लास्ट वीडियोज में क्रिएट की थी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे नई FTP साइट को क्रिएट करने के लिए या एड करने के लिए आप एक्शन पेन में से एड FTP साइट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर साइट्स पे राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू में से भी एड FTP साइट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी FTP साइट का नाम दे सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ माई FTP साइट या कुछ भी लॉजिकल नेम आप दें। इसके बाद आप कंटेंट डायरेक्टरी का फिजिकल पाथ यहाँ पे टाइप करें या फिर यहाँ से आप उसे ब्राउज भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वो डेटा होना चाहिए जिसे कि आप अपने FTP यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम इसे सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे सी ड्राइव में विंडोज की डायरेक्टरी में System32 को ही अपने यूजर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे आप ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि System32 में बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं और आप कुछ ऐसा डेटा जो आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं वही उनके साथ शेयर करें। मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अगले पेज पे हमसे उस IP एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है जिसको कि हम इस FTP साइट के साथ बाइंड करना चाहते हैं। ऑल अनअसाइंड का मतलब जो भी अवेलेबल होगा फ्री होगा, जो किसी भी और FTP साइट को असाइंड नहीं होगा वो इस साइट को असाइंड हो जाएगा। यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें वो IP एड्रेस सिलेक्ट करना है जिसे कि हम इस साइट के साथ बाइंड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 192.168.1.135। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इसी एड्रेस से हमारी एक वेबसाइट भी चल रही है और इसी एड्रेस से हम FTP साइट भी चला सकते हैं। इसका कारण ये है कि FTP साइट और वेब सर्वर की वेबसाइट दोनों अलग पोर्ट्स को यूज करती हैं। वेब सर्विसेज के लिए पोर्ट नंबर 80 यूज होता है जबकि यहाँ पे इसके लिए पोर्ट 21 और पोर्ट नंबर 20 FTP के लिए यूज होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ आ रहा है पोर्ट 21। इसके साथ साथ एक और पोर्ट को भी यूज किया जाता है, पोर्ट नंबर 20। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट FTP साइट ऑटोमेटिकली, जो कि सिलेक्टेड है। अपने आप से FTP की साइट सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाएगी और इसके नीचे है SSL।
SSL सिक्योरिटी के लिए है। इसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे कि आप यहाँ पे इस FTP सर्वर के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं यहाँ से नो SSL पे सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपसे ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरह की ऑथेंटिकेशन आप चाहते हैं। आप एनोनिमस ऑथेंटिकेशन चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करें। अगर आप विंडोज की बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये साइट हम एक टेस्टिंग पर्पज के लिए बना रहे हैं और इस वीडियो का जो स्किल लेवल है वो बिगिनर है, यानी कि बिगिनर्स के लिए है। तो हम एक सिंपल FTP साइट क्रिएट करते हैं, एनोनिमस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऑथराइजेशन में आप उन यूजर्स या ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके साथ आप ये FTP साइट शेयर करना चाहते हैं, यानी कि जिनके लिए आप ये FTP साइट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इसे सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑल यूजर्स पे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ से उन यूजर्स को परमिशन दे दीजिए। ये परमिशन कम से कम रीडर होनी चाहिए ताकि वो इस डेटा को देख पाए। अगर आप रीड राइट का प्रोसेस दोनों करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फिनिश बटन को क्लिक करते हैं। FTP साइट 192.168.1.135 IP एड्रेस विद पोर्ट नंबर 21 आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसका कि स्टेटस स्टार्टेड है। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ। आप कोई भी वेब ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस बार में टाइप कीजिए FTP:// और FTP साइट का IP एड्रेस 192.168.1.135। एंटर की को प्रेस करते हैं तो देखिए FTP रूट में आपको यहाँ पे System32 में रखी हुई सभी फाइल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे क्लिक करके जहाँ पे आप इसे अपने कंप्यूटर पे सेव करना चाहते हैं यहाँ से सेव एज पे क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करता हूँ और सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। चलिए जरा इसको चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये autoplay.dll डाउनलोड हो गया है। तो इसी तरीके से आप दूसरी फाइल्स जिन्हें कि आप अपने यूजर्स को थ्रू FTP प्रोवाइड करना चाहते हैं उन्हें एक फोल्डर में रखिए और उस फोल्डर को FTP साइट के साथ अटैच करके अपने यूजर्स को वो डेटा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैंने System32 की डायरेक्टरी को शेयर कर दिया है, तो आप ऐसा ना कीजिएगा, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए है। क्वेश्चन टाइम, चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि FTP सर्वर अपनी सर्विसेज के लिए किन दो पोर्ट नंबर्स को यूज करता है। आपकी ऑप्शंस हैं ए पोर्ट नंबर 80 और 81, ऑप्शन बी पोर्ट नंबर 21 और 80, या फिर सी पोर्ट नंबर 20 और पोर्ट नंबर 21। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज 8.1 में FTP सर्वर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक FTP साइट क्रिएट की और FTP के थ्रू एक फाइल को डाउनलोड करके भी देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।